यहाँ देखिए, ये उस समय का कैमल गन है, कैमल गन। वो कहता है ना, कंधा तेरा निशाना मेरा, वो कथा जैसलमेर से चली है। एक बंदा कैमल संभाल था, पीछे वाला बंदा जो था वो गन पकड़ता, आगे वाले बंदे के कंधे पे रखी जाती बंदूक, पीछे वाला बंदा फायर करता। थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन देते जैसे, भैया आप मेरे कंधे पे जैसे ये बंदूक है, बंदूक है, ये इस तरीके से रखी जाती थी और फायर होती थी। 1 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती थी हवा के साथ। आप ये मत समझ लेना कि साइन था, नहीं, हवा के साथ, क्योंकि यह हवाएं बहुत तेज चलती थी। टोपीदार गन कहते थे इसको, केवल केवल बोन, ऊंट की हड्डी से बना हुआ घोड़े का चाबुक है, जिसके आगे चांदी की सरी लगी हुई है, ऊंट की मोरी नाक में लगती थी ऊंट के। अब आपको दिखा दे चंद्रमा, जो इनका पुश्तैनी बाण है, चूंकि ये राजा चंद्रवंशी है, श्री कृष्ण के वंशज है। छात्रालय यादवपति उत्तर भट्ट कीवाड़ भाटी, यहाँ पे देखिए, इसको कहते हैं अंकुश। क्या कहते हैं इसको? अंकुश। अंकुश, अंकुश का मतलब क्या होता है? रोकना। कहते हैं ना तेरी जबान का अंकुश है, रोकना। वैसे ही हाथी को कंट्रोल करने के लिए अंकुश होता था। गौर करना, ये नोक कभी हाथी की नहीं छुपती थी, साइड वाला इलाका दबाया जाता था। मतलब ये ना, इसको अंकुश बोलते हैं। नोक अगर लग गई तो घाव हो जाएगा हाथी के। नोक कब लगाई जाती थी? जब हाथी हद से ज्यादा बिक जाए तब लगाई जाती थी। ये भाले के सिरे हैं, ऊपर देखिए छत है लकड़े का। लकड़े का छत क्यों होता था? सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा। अब आपको लगेगा पंडित जी यार क्या बकवास कर रहे हो, तो आपको तथ्यात्मकता के साथ सबूत देते हैं। लकड़े का छत है, सारे खिड़कियां बंद कर दो तो ये इतना गर्म हो जाएगा जैसे आपको अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी। और जैसे हवा पास हो गई, खिड़कियां खोल दी, एसी से ज्यादा ठंडा होगा। आपको गर्मी लग रही है? नहीं लग रही ना? प्लीज कम। यहाँ देखिए, इधर देखिए, इसको कहते हैं बारूद की कुप्पी। वॉर के समय में कमर में बांध के ले जाते थे। ये देसी कट्टा उस समय का, और ये सीक्रेट पिस्टल, इसको पगड़ी में छुपा के ले जाते थे। अब चलते दीवान का, प्लीज कम। चलेंगे नहीं मैं? है थे। चला के भी दिखा दो। भाई हथियार तो बहुत सारे हैं, पाकिस्तान यहीं से पास में। दीवान खाना खाने का मिलेगा यहाँ? किसी ने जीता नहीं है, जीत पाया चित्तौड़ तो वो धोखे से घुसा था, जीता नहीं था चित्तौड़ को। अगर कोई बता रहा है गलत बता रहे, धोखे से घुसा था। हाँ, मूवियाँ झूठ बोलती है, हम चैलेंज करते हैं, झूठ बोलती मूविया। महाराणा प्रताप के सामने माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया जो महाराणा प्रताप के सामने लड़ सके, साक्षात आके जो लड़ा है ना, घोड़े समेत कटा है। बैतूल खान घोड़े समेत कटा है। छोटी बात है क्या, रिकॉर्ड कर रहे हैं? गढ़ चित्तौड़ तलवार चमकी, पद्मन रानी जोहर दमकी, हल्दी घाटी रण सुनन गई, मुगल पछाड़ा खाए, और पुत्र दान ते लाज बचाई, माता पन्ना जाए। ये गौरवशाली इतिहास है हमारा। प्लीज माइंड योर हेड, चलिए आगे। भाई मैं तो दिल्ली में लड़ाई हुई, मैं तो उन्हीं को ले जाऊंगा। कहाँ गए? भैया ने लग रहा कि वो रेड बॉल पी ली। अरे हो रहा है। आपकी इस वीडियो को YouTube पे देखने के बाद है ना, लोग समझेंगे सच्चा इतिहास क्या है। पिक्चरों में जो बताया जाता है वो इतिहास सच्चा नहीं है। महाराणा प्रताप को आज तक कोई भी युद्ध में नहीं हरा पाया। उनके साथ धोखा करके चित्तौड़ के अंदर पैलेस में एंटर हो गए थे। नहीं, वो तो अलग राजा थे। हाँ, वो तो राव के बाद की बात है। हाँ। महाराणा प्रताप नरसिम्हा थे। हाँ, वो तो उनके सामने से कोई नहीं लड़ पाया ना जीत पाया।
ठीक है ना, इतिहास जिसने लिखा है सही नहीं लिखा। यहां देखिए, यहां पे आपको लिखेगा 250 किलो चांदी का सिंहासन। ये वही राज सिंहासन है जिसके ऊपर महारावल चेतनराज सिंह जी का राष्ट्र लगवा था। ये चौधरी छत्र, ये सोने का छत्र, श्री कृष्ण का छत्र है। अब क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना, तो उसका मैं तथ्यात्मकता के साथ सबूत देता हूं। कहते हैं इसकी जब कार्बन टेस्टिंग की गई तो उसकी एज निकली थी 5982 साल, और कलयुग को कितने साल हुए, 5000 साल। तो ये श्री कृष्ण का ये वही मेघनाम्बर छत्र है, यदुवंशी होगा। आप लोग फोटो खींच लो, लेकिन राज सिंहासन पे हमेशा खाली नहीं रखा जाता, उसके ऊपर ढाल या तलवार रखी जाती है। तो राजा का सिंबल होता है तलवार, किसी भी राजा का तलवार रखी गई है, सोने की तलवार है। हेलो, अब चलते हैं आगे। गोपाल जी जिंदाबाद, क्या नाम है? फोटो खींच के बाहर आ जाइएगा। राम सर, ये कान की टेस्टिंग करानी पड़ेगी इसके बाद। ये तो छोटे थे, तब 14 साल के थे। गाइस ये है यहाँ का पूरा व्यू। यहाँ पे मतलब कि जितने भी राजा महाराजा हैं, मैं थोड़े नॉर्मल वॉइस में आपको बताता हूँ, भाई थोड़ा एक्साइटेड थे। तो यहाँ पर क्या थी कहानी यहाँ की, कि मतलब यहाँ पर ताजपोशी हुई थी उनकी, जो राजा महाराजा थे जैसा कि भाई ने बताया था। तो तलवार रखी गई है, ये सब ओरिजिनल चांदी और ओरिजिनल सोने का है। मैं बहुत, अगर आप इसको बेच दोगे तो आपके साथ पुछते बैठ के खाएंगे, लेकिन ऐसा करना मत, बहुत मारते हैं यहाँ के लोग। तो अभी हम गाइस जा रहे हैं रणभेरी झरोखा देखने भाई के साथ। चलिए, ये क्या भैया, ये अभी रूम खोला है, तस्वीरें लगी जो स्कूल बनाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, देख ले एक सेकंड, देख मिनट। हाँ, गरीब बच्चियों के लिए स्कूल बनाई यहाँ के राजा ने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये इस न्यूज में भी आया था। हाँ, ये न्यूज में मैंने पढ़ा, देखा था न्यूज में, ना अभी आया था थोड़ी सी पहले। गाइस बहुत बढ़िया स्कूल बनाया है, मतलब ये टीम है, ये प्रेजेंट किंग है। अच्छा, ये किंग इतना सरल स्वभाव है जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत सरल है। अच्छा, तो गाइस चलते ऊपर और आपको व्यू दिखाते हैं, और सर बचा के हम यहाँ से चले, जैसे मैंने पहले बोला है। यहाँ देखिए, अब हम देखते हैं रणभेरी झरोखा और समझते हैं रणभेरी होता क्या है। वो देखिए, उसको कहते हैं रणभेरी झरोखा। रण का मतलब होता है युद्ध का मैदान, भेरी का मतलब होता है भेद। युद्ध के मैदानों के भेद से जो अवगत कराए उसको कहते हैं रणभेरी झरोखा।